कोरोना काल के बीच राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया है। 95 साल की उम्र में भंवरलाल शर्मा का निधन शुक्रवार को हुआ। वरिष्ठ नेता के निधन पर तमाम बीजेपी के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उनके निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। शर्मा के निधन पर राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख प्रकट किया। अमित शाह अपने ट्वीट में लिखते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष श्री भंवरलाल शर्मा जी के निधन की सूचना से अत्यंत दुख हुआ। जनसंघ से लेकर भाजपा तक संगठन व जनसेवा के लिए उनका संघर्ष हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणीय है। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति शांति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखते हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा जी के निधन का समाचार दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है उन्हें संभल दे एवं दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे इस दुखद मौके पर लिखती हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री भंवरलाल शर्मा जी के निधन का समाचार सुन मन व्यथित है। जनसंघ के स्तंभकार उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सफर में हमेशा गरीबों व वंचितों की आवाज़ उठाई तथा समाज सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय माना। एक और ट्वीट में वसुंधरा राजे लिखती हैं, राजस्थान में भाजपा को मजबूती प्रदान करने वाले भंवरलाल शर्मा जी का निधन समस्त भाजपा परिवार के लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को संभलने के लिए वक्त। हालांकि इनके अलावा कई और बीजेपी के नेता हैं, कई और कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने अपना शोक व्यक्त किया। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।